आखिर हो ही गए फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। न्यूज वन के लिए ब्यूरो चीफ अर्पित त्यागी की रिपोर्ट। बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार नियंत्रण ब्यूरो एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के फर्जी अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोरों व दुकानदारों से अवैध रूप से उगाही करने वाले 4 फर्जी अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा इनकी तलाशी लिए जाने पर इनके पास से 9 आईडी मिली है जो फर्जी पाई गई है। पुलिस अब इन फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। एसपी संजीव त्यागी ने फर्जी 4 अधिकारियों को गिरफ्तार करते हुए बताया कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि जनपद बिजनौर में एक गिरोह फर्जी राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का अध्यक्ष बताकर जनपद के मेडिकल स्टोरों तथा दुकानों को चेक कर रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा अवैध रूप से रुपयों की उगाही की जा रही है। इस गिरोह के कुछ लोग जनपद के व कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के हैं, जिस पर थाना प्रभारियों को निर्देशित कर इस गिरोह को पकड़ने की कवायद शुरू की गई थी। थाना कोतवाली पुलिस ने रैंडम चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रजत होटल सिविल लाइन के पास से इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह 4 आरोपी मोहित रौनियार, किशन कुमार, राधेश्याम, यशपाल सिंह को पुलिस ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 फर्जी आईडी भी बरामद की है, साथ ही एक बुलेरो गाड़ी भी पुलिस ने इनके पास से बरामद की है। पूछताछ में पता चला है कि यह लोग बेरोजगार थे। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी इनके पास काम न होने के कारण यह फर्जी राष्ट्रीय मानव अधिकार नियंत्रण ब्यूरो एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का अधिकारी व कार्यकारी अध्यक्ष बनकर फर्जी परिचय पत्र बनाकर मेडिकल स्टोर और दुकानदारों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। जनपद बिजनौर में थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में पुलिस टीम ने त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग करते हुए 4 लोगों को बुलेरो गाड़ी से हिरासत में लिया है। यह एक फर्जी गैंग है। इसका जो सरगना है मोहित रोनियार, यह अपने आप को नेशनल ह्यूमन राइट और क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का चेयरमैन बताता है। इसमें एक साथी इसने किशन कुमार रखा हुआ है जो अपने आप को डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर बताता है, और 2 लोकल बिजनौर के लोग इसने रखे हुए हैं। एक पीआरडी का जवान जिसको प्रतिदिन 1000 रुपये के हिसाब से पैसे देता है, उसको अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाया हुआ है, और यशपाल नाम के एक लोकल बिजनौर के युवक को इसने अपना ड्राइवर बनाया हुआ है जिसको 3000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट देता है। ये लोग दुकानदारों को, मेडिकल स्टोर को जाकर चेक करते हैं, दबाव बनाकर कोई कमी, छोटी मोटी कमी ढूंढकर उनको परेशान करते हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं। इस तरह की शिकायतें इनके खिलाफ पूर्व में आई भी थी, और कल रैंडम चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए हैं। इनके पास से फर्जी आईडी बरामद हुई है, गाड़ी बरामद हुई है। इनको पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है।